बागेश्वर नगर पालिका एवं शहरी इलाकों में स्थानीय जनता को झूलते नंगे खुले बिजली के तारों से निजात मिलने वाली है। ऊर्जा निगम IDPS योजना के तहत बागेश्वर के शहरी इलाकों में बिजली के खुले तारों को बदल रहा है। पुराने तारों को बदलकर इंसुलेटेड बंच केबल बिजली के तारों के खम्भों पर लगाई जा रही है। वहीं ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि IDPS योजना के जरिए शहरी इलाकों में पुरानी तारों को बदलने का काम किया जा रहा है। 60 बिजली के खम्भों को भी बदला जा रहा है, जिससे कि जनता के साथ साथ ऊर्जा निगम को फायदा मिल सके, बिजली चोरी भी बंद हो जाए। उन्होंने बताया कि 11 केवी की बड़ी लाइन को भी इंसुलेटेड किया जा रहा है। AB इंसुलेटर जो इंसुलेटेड केबल है, इसका कार्य इस समय वर्तमान में जारी है और ये बागेश्वर शहरी क्षेत्र में इसका कार्य किया जाना है, जिसमें 24 किलोमीटर लाइनों को केबल के द्वारा बदलना है। इससे एक तो ये फायदा होगा कि इससे करंट लगने का भय नहीं रहेगा, और दूसरा बिजली चोरी रोकने के लिए या कोई छल्ला डालने के लिए वो उससे बचत होगी विभाग की। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।